पाला के पड़े। खुश रहो भैया। आपका क्या नाम है? राम प्रसाद मिश्रा। कितना उम्र है आपका? 60 साल। कितना बच्चे हैं आपके? 4 लड़के। क्या नाम है? रंजीत कुमार मिश्रा, रत्नेश कुमार मिश्रा, रवि शंकर मिश्रा, अखिलेश कुमार मिश्रा। तब सब लड़के क्या कर रहे हैं? एक लड़का मथुरा में है, नौकरी करता है प्राइवेट, और एक जम्मू में है, वो भी प्राइवेट नौकरी करता है, और एक यहाँ दो घर पर रहते हैं। सब जजमानी, दो लड़के का, एक लड़का करता है, एक मैं, दो आदमी जजमानी ही करते हैं। कथा पूजा पाठ यही काम हमारा है। हाँ, और पिताजी अभी हमारे हैं, वो ज़्यादा उम्र के हैं, बस घर पर रहते हैं वो। हम कर ही नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। और पहले आपका क्या था? पहले पढ़ाई किए हैं, इसके बाद जम्मू में जा कर के एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी कर रहे थे, तो 2009 में वहाँ से कंपनी बंद हो गई, हम घर चले आए। तब से ही घर का काम करते हैं और पूजा पाठ करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपका बड़ा लड़का क्या करता है? हमारा बड़ा लड़का मथुरा गिन्नी टेक्सटाइल मिल में काम करता है। तो अपने परिवार के साथ में रहता है, अकेला रहता है? अपने परिवार के साथ रहता है। उनके बच्चों का क्या नाम है? 3 बच्चे हैं उसके, 2 लड़कियां, 1 लड़का। एक का नाम है दीपका, एक का अंशिका, और लड़के का नाम है कृष्णा। बीच वाला रत्नेश कुमार मिश्रा जम्मू में रहता, वो भी प्राइवेट नौकरी करता है, उसके 2 लड़के हैं, एक सूरज मिश्रा और एक क्या नाम उसका, हाँ तीसरा बच्चा। 2 बच्चे हैं। अच्छा, तीसरे के रवि शंकर मिश्रा, उसके 1 लड़का है, उसका अंश मिश्रा नाम है। छोटे की अभी शादी नहीं किया, पढ़ाई कर रहा है। अच्छा बताइए पंडित जी, आपको धर्मनगर में रह के कैसा लग रहा है? धर्मनगर में रह करके ठीक ही लग रहा है, लेकिन यहाँ का समाज जो है वो सही नहीं है। आजू बाजू वाले लोग कैसे? आजू बाजू के आदमी बस ईर्ष्या द्वेष यही सब लगा रहता है लोगों के अंदर। कहां के बस यही बवाल में लगे रहते हैं। हाँ, अगर खा रहा है कोई आदमी तो उसको खाने नहीं देना चाहते हैं, बार बार हर जगह जो है विघ्न डालते हैं, जैसे आपके सामने है। ऐसा क्यों करते हैं लोग पंडित जी? लोग बस अपनी अपनी में कर रहे हैं कि भाई ये हमारा है, ये हमारा है, ये ना बढ़ें, ये आगे ना जाएं, इनकी उन्नति अगर हो रही है तो उन्नति ना करने पाएं, दूसरे ही झगड़े और बवाल में फंसे रहें, अपने पारिवारिक कलेश में फंस जाएं, ऐसा करते हैं लोग। तो आप जम्मू राज आ रहा, तो जम्मू में कैसे लगा? जम्मू ठीक था हमारे लिए, हम तो 35 साल रहे हैं। 35 साल? हाँ, 2079 से 1978-79 से हम वहाँ 2009 तक रहे हैं, वहीं सर्विस किए, वहीं अपना जीवन बिताते रहे। प्रॉब्लम वहाँ की जनता से होती थी, क्योंकि वहाँ की जनता बाहर वालों को पसंद नहीं करती थी, ऐसा कई बार झगड़ा झंझट भी हुआ है वहाँ, लेकिन किसी तरीके से हम लोग अपनी नौकरी वहाँ पर पूरा किए, क्योंकि वो कंपनी भी बाहर की थी, वो बाहर वालों को अपने साथ रखना चाहती थी और रख करके काम करवाना चाहती थी, इसलिए हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं करती थी कंपनी। हाँ पंडित जी, आपके जो प्रधान जी हैं जो थे अभी 10 साल, हाँ उन्होंने आपके लिए कुछ किया? भूतपूर्व प्रधान जो हमारे यहाँ के थे, 10 साल रहे हैं, उन्होंने हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर साइन करवाने चले जाते थे या कोई काम करवाने के लिए उनके पास चले जाते थे,
वो कहते थे शाम काम नहीं हो पाएगा। जैसे अखिलेश योजना में पेंशन का फॉर्म भरवा करके हमसे, और उन्होंने कहा कि पेंशन नहीं होगा, बंद हो गया है, अब नहीं होगा, लेकिन हमारे बाद में कई लोगों का किया उन्होंने हम लोगों के साथ। हम लोगों का पता नहीं, हम लोगों से क्या उनको ईर्ष्या थी। ये देखिए एक चक्रोट है हम लोगों के यहाँ आने जाने के लिए, जो कि हम लोगों को बहुत विशेष करके प्रॉब्लम है आने जाने में, उसको भी उन्होंने नहीं बनवाया। वो सपोर्ट कर रहे थे एंटी पार्टी का, जब कहीं हम ऊपर से कोई आदेश लेकर के भी आते थे तो उनको यहाँ से भगा देते थे, वो यहाँ रहते नहीं थे, इसलिए हम लोगों का काम नहीं हो पाता था। तो अभी नए प्रधान बने हैं, उनसे आपको कुछ उम्मीद है? नए प्रधान से अभी तक तो कोई कुछ भी वो नहीं हो पाया है, लेकिन ये उम्मीद करते हैं हो सकता है कि चक्रोट हमारा ये कम्प्लीट हो जाए। हम समाज की भलाई चाहते हैं, हम पर्सनल अपने लिए कोई भलाई नहीं चाहते हैं प्रधान से, सबकी भलाई हो, पूरे गांव की भलाई हो। आप अपने गांव के बारे में कुछ बताना चाहेंगे पंडित जी? गांव हमारा ठीक ही है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं, और यही है कि कुछ लोग जो है इसमें बीच में खराब हैं, जो कि गांव की प्रगति नहीं देखना चाहते हैं, किसी घर की उन्नति नहीं देखना चाहते हैं। खेती बाड़ी तो हमारे पास बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन चलो साग सब्जी लगाने भर के लिए तो है ही। जजमानी भी ऐसे ही है, लग गई, कहीं चले गए, कथा बांझने चले गए, आ गए तो वहाँ चले गए, नहीं तो घर में बैठे हुए हैं। बट पंडित जी, जजमानी में आप जैसा काम करते हैं, किसी को कथा भागवत सुनाते हैं, करते हैं, उसको वो करके आपको कैसा लगता है? उससे हमें बड़ा प्रसन्नता होती है, हमारी आत्मा प्रसन्न रहती है, लोगों को शिक्षा देते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, भगवान की चर्चा होती रहती है, इससे हमारे समाज का, हमारे देश का कुछ जो कष्ट है वो मिटता है भगवान की चर्चा से। अच्छा, कभी आपने को कभी कुछ प्रॉब्लम हुआ लाइफ में कि जो मतलब किसी ने आपका हेल्प किया? प्रॉब्लम कई बार हुआ, हेल्प हमारा करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, दो एक रिश्तेदार हमारे हैं जिन्होंने हमारा टाइम टाइम पर हेल्प किया है, और तो वैसा कोई भगवान की तरफ से समस्या नहीं पड़ी। नौकरी के टाइम में ऑपरेशन वगैरह हमने करवाया तो हमारी कंपनी ने उसको बहन किया, और सब ठीक ही है। हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ जाएगी या पड़ती है तो हमको ये आशा है कि ये समाज हमारा हेल्प करेगा। आपने कभी किसी को हेल्प किया? वैसे तो हमने बहुत हेल्प किया है लोगों का, हम अपने हृदय से ही चाहते हैं, हमेशा ही सोचते रहते हैं अगर किसी को कोई तकलीफ है, हमारे द्वारा उसका साल होता है तकलीफ, तो उसको हम करने के लिए तैयार रहते हैं हम सब। तो आपको हेल्प जब करते हैं आप किसी का, तो आपको कैसा लगता है? बड़ा आनंद आता है, किसी को दुखी आदमी को देख करके अगर हम उसे उसका कुछ हेल्प कर देते हैं तो वो प्रसन्न होता है, तो हमको भी प्रसन्नता होती है, हम भी खुश होते हैं। पंडित जी, आपकी उम्र क्या है भी? 60 साल हो गई, 61 साल चल रहा है। पंडित जी, समझ लीजिए कि आप 70 के हो गए। हाँ, तो आपकी थोड़ी सी ताकत घट जाएगी। हाँ, तो आप किससे उम्मीद लगाते हैं, अपने घर में, अपने गाँव में, या अपने बच्चों से, अपनी बहू से? आपका केयर कौन करने वाला है ऐसा लगता है? अब ऐसा है कि अब किसके ऊपर विश्वास किया जाए, चार बच्चे हैं, हम तो जब तक हैं तब तक हम अपने शरीर के ही ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं, वो बात तो सही है, पर आपके शरीर सफल हो, सपोज एक टाइम पे आदमी ऐसा हो जाता है कि कम उम्र में चले जाता है। हाँ, और एक ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, थोड़ा सा ताकत कम हो गई, नहीं कमा पा रहा है, ऐसा आज कमा ले रहे हैं, अपना खर्चा खुद चला ले रहे हैं, अपने बच्चों को भी दे रहे हैं, अपनी बहू को दे रहे हैं, एक टाइम ऐसा आ गया कि जब आपकी ताकत नहीं रही, देखभाल, तो आपको किसके ऊपर भरोसा है कि आपका ध्यान रखेगा? हम अपने हर बच्चों के ऊपर भरोसा करते हैं। नहीं, ज्यादा भरोसा किसके ऊपर करते हैं जो ज्यादा अभी आपका ध्यान रखता हो? वो मझला लड़का है। अच्छा, क्या नाम होगा? रत्नेश कुमार मिश्रा। कैसा आपको लगता है कि वो ध्यान रखेगा आपका?
ऐसा है जब अभी थोड़ा दुख और दर्द में हमेशा उसको दुख हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसलिए हमको ये विश्वास आता है कि हर, वैसे तो हर लड़कों के ऊपर हमें विश्वास है, बेशक अभी हमारा हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमारा सब हेल्प करेंगे। बहुएं भी हमारी सब ठीक हैं, समय पर खाना पीना हर चीज जो है देती रहती हैं। आपके बाजू में पंडित जी रहे बहुत पहले, तो कैसे रहे वो? हमारे चंदी बाबा नाम था उनका, तो वो बहुत अच्छे पंडित थे और पत्रा वगैरह के बहुत अच्छा ज्ञाता थे, लोग उनके पास अक्सर बहुत आते थे और हमेशा पूजा पाठ होता रहता था, घर में 24 घंटा मतलब पूजा होता रहता था। हाँ, मतलब कितना दिन हुआ उनको? कम से कम 20-25 साल हो गया है। हाँ, खत्म हुए। कोई नहीं था, उनका जो जमीन था, घर का जो हिस्सा था, हमारे और एक हमारे पटीदार हैं परमात्मा, इनके दोनों में डिवाइड होकर के आधा उनको मिला, आधा हम लोगों को मिला, तो आधे में हम तीन आदमी हैं और आधे में वो अकेले हैं। पंडित जी, अभी यंग जनरेशन जो आ रही है, बच्चे हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम उनको ये देना चाहते हैं, पढ़ाई करें, अच्छी ढंग से पढ़ाई करके और आगे बढ़ें, जिससे देश की उन्नति होगी, देश की उन्नति होगी तो हर चीज़ जो है बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा।